वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड राइटिंग इन साइकोलॉजिकल टेस्ट। एक लीडर की इम्पोर्टेंट क्वालिटी आइडियाज के साथ लोगों तक पहुंचना है। आसान भाषा में बताऊं तो आइडियाज को इफेक्टिव तरीके से कन्वे करने की एबिलिटी एक लीडर को सक्सेसफुल बनाती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि वर्बल एक्सप्रेशन ही एक लीडर के लिए इम्पोर्टेंट है, पर लेकिन शायद ही कभी कोई उसके रिटन एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। SSB में OLQ का एक हिस्सा है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जिसे GTO द्वारा असेस किया जाता है और ओरल पार्ट IO द्वारा किया जाता है। और साइकोलॉजिस्ट रिटन पार्ट पर फोकस करते हैं, चाहे वो ओरल हो या रिटन पार्ट। फोकस होता है आइडिया पे जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से एक्सप्रेस की होती है, जो है इंग्लिश। ओरल एक्सप्रेशन का फ्लो कैंडिडेट के मैनर्स और स्पीच प्रॉब्लम से अफेक्ट होता है। उसी तरह एक कैंडिडेट के रिटन एक्सप्रेशन उसकी हैंडराइटिंग और ग्रामेटिकल एरर्स से अफेक्ट होते हैं। हालांकि आपके साइकोलॉजिस्ट हमेशा आपकी हैंडराइटिंग ही नहीं देखते, लेकिन कम से कम रीडेबल हैंडराइटिंग उनके पढ़ने के टास्क को कंफर्टेबल बना सकती है। खराब हैंडराइटिंग ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, जो साइकोलॉजिस्ट को इरिटेट कर सकती है और आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। आसान भाषा में बताऊं तो एक अच्छी हैंडराइटिंग आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्लियर करने में मदद नहीं कर सकती है, पर लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग साइकोलॉजिस्ट को आपके थॉट्स बिना किसी कंफ्यूजन के क्लियरली पढ़ने में मदद कर सकती है, जो बदले में आपके स्कोर में पॉजिटिवली ऐड होती है। स्कूल में टीचर्स द्वारा और कॉलेज में प्रोफेसर्स द्वारा हैंडराइटिंग को हमेशा प्रेज किया जाता है। इधर SSB में थॉट्स हैंडराइटिंग से ज्यादा मैटर करती है, लेकिन ध्यान रखें कि हैंडराइटिंग नीट और रीडेबल हो। कई बार कैंडिडेट्स को साइकोलॉजिस्ट द्वारा रिकमेंड नहीं किया जाता है, चाहे उनके पास अच्छे आइडियाज क्यों ना हो, क्योंकि उनकी पुअर हैंडराइटिंग की वजह से असेसर उसे अच्छी तरह असेस नहीं कर पाता। इसके अलावा जितना ज्यादा आप कटिंग्स और ओवरराइटिंग करोगे, उतना ही आपका पुअर स्टेट ऑफ माइंड शो करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर ये शो करती है कि आपकी ये लैंग्वेज में ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पॉइंट पर आप सोच रहे होंगे कि SSB इंटरव्यू में ग्रिफोलॉजी का भी पालन किया जाता है। अगर आपको पता नहीं है कि ग्रिफोलॉजी क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ग्रिफोलॉजी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और हैंडराइटिंग के पैटर्न का एनालिसिस है, जो राइटर की पहचान करने में सक्षम होने का दावा करता है। लिखते टाइम कैंडिडेट का क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा वो बताता है और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को एवेल्युएट करता है। दोस्तों, डरिए मत, ग्रिफोलॉजी साइकोलॉजिस्ट द्वारा यूज नहीं की जाती, वो केवल आपके आइडियाज पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, आप घर बैठे साइक टेस्ट मास्टरी कोचिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट का SSB में एक ऑनलाइन असेसमेंट प्रोसीजर है, जो 10th अप्रैल 2020 में लॉन्च हो रहा है। यहाँ एक कैंडिडेट को फॉर्मर SSB साइकोलॉजिस्ट के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और कैंडिडेट किधर लैग कर रहा है ये भी समझने का मौका मिल रहा है। मिस्टर अशोक एक DIPR साइकोलॉजिस्ट है, जो आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे। एक और साइकोलॉजिस्ट आपके साथ होएंगे, वो है कमांडर के रमाना प्रसाद, जो एक्स नेवल सिलेक्शन बोर्ड साइकोलॉजिस्ट है। तो ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है? जब आप इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना टेस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। कंडक्ट किए गए ऑनलाइन टेस्ट SSB नॉर्म्स और टाइमिंग्स के अनुसार होंगे। आपके रिस्पॉन्स को फिर इवेल्युएट किया जाएगा और आपको कम्प्लीट पर्सनलाइज्ड असेसमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को शोकेस करेगी, जिस पे आपको वर्क करने की जरूरत है। आप साइक टेस्ट में अच्छा करने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस ही गेन नहीं करोगे, बल्कि तेजी से अपने माइंडसेट को भी बढ़ाओगे। आप AFPA क्रैक SSB मास्टर क्लास टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, जहां कैंडिडेट्स SSB के किसी भी सेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर SSB असेसर देंगे वीडियोस के थ्रू। मैं ये सारे रेलेवेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आपके पास अगर कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक पे क्लिक करिए और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी। आप सबको बेस्ट ऑफ लक।